नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण और प्रेगनेंसी की। दोस्तों आज का टॉपिक है मेरी सहेलियों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस समय में प्रेग्नेंट है, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है। चंद्र ग्रहण आने वाला है। वर्ष 2018 का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण जो कि भारत में पूरी तरह से दिखाई देगा, 27 जुलाई 2018 से शुरू होगा और रात्रि 28 जुलाई को समाप्त होगा। दोस्तों ये समय प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ सके, और वो उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से आप चंद्र ग्रहण का समय बहुत ही आसानी से निकाल पाएं और आपका बच्चा और आप सुरक्षित रहें और आपसे कोई भी भूल ना हो। दोस्तों कुछ लोग इसे ढकोसला मानते होंगे, लेकिन साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि चंद्र ग्रहण के समय दूषित तरंगे निकलती हैं, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जो अलग अलग गैसेस चंद्र ग्रहण के समय निकलती हैं, वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपको अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए चंद्र ग्रहण के समय इन सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए। और हम लोगों ने देखा भी है कि जो बच्चे चंद्र ग्रहण के समय पैदा होते हैं या फिर चंद्र ग्रहण पर माँ ने कोई सावधानी ना बरती हो तो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बच्चे को झेलनी पड़ती हैं। कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन बच्चे के भविष्य पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण पर पैदा हुआ बच्चा जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा पाता है। ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, सिर्फ सतर्क करने के लिए है कि आपको सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। दोस्तों भारत के अलावा एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका के मध्य में और पूर्वी भाग में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। पहली बात दोस्तों, आपको चंद्र ग्रहण से पहले स्नान जरूर करना चाहिए और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण की दूषित हवा आपके बच्चे और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको उससे सुरक्षित रहने के लिए दोनों समय स्नान अवश्य ही करना चाहिए ताकि आप दूषित तरंगों से बच सको। दूसरी बात, खाने पीने का ध्यान रखना है। दोस्तों आपको चंद्र ग्रहण के समय कुछ भी खाना या पीना नहीं है। खाने पीने से दूषित तरंगे आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। जो पहले से बना हुआ पदार्थ है आप उसमें तुलसी के पत्ते रखिए, क्योंकि तुलसी संजीवनी बूटी के समान आपके खाने के पदार्थ को दूषित होने से बचाती है। तुलसी की केवल खुशबू से ही दूषित हवा आसपास नहीं आ पाती है। तीसरी बात दोस्तों, आपको किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रहण के समय चाकू, सुई, इन सब चीजों का इस्तेमाल प्रेग्नेंट औरत को नहीं करना चाहिए। अगली बात दोस्तों, ताले चाबी का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। आपको कोई भी चीज लॉक या अनलॉक नहीं करनी है। डोर हो, अलमारी हो, आपको उसमें ताला चाबी इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली बात, आपको अपने शरीर पर कहीं पर भी खुजली नहीं करनी है। याद रखिएगा, ग्रहण के समय अगर आप खुजली करते हो तो आपके शरीर पर साथ ही साथ आपके बच्चे के शरीर पर भी उसके निशान पड़ेंगे। अगली बात, आपको ग्रहण के समय एक्सरसाइज नहीं करनी है। दोस्तों किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, योगा हो या फिर कोई और तरह की एक्सरसाइज, आपको उस समय में नहीं करनी है।
आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इस समय में आपका शरीर बहुत ही कमजोर माना जाता है और एक्सरसाइज करने से आपको दिक्कत होगी। अगली बात, आपको ग्रहण के समय, ग्रहण के दौरान सोना नहीं है। सोने से आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। एक और बात दोस्तों, इस समय में आपको गार्डनिंग नहीं करनी है। किसी भी पौधे को आपको नहीं छूना है, कोई भी फल फूल आपको नहीं तोड़ना है। वैसे तो रात का समय है, कोई भी नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसी चांस बन जाए जिसमें आपको कोई फल फूल तोड़ना पड़े तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है, कोई भी कीड़ा मकौड़ा कुछ भी हो, आपको किसी भी जीव जंतु को इस समय में मारना नहीं है। अगली बात दोस्तों, आपको अपने पार्टनर के साथ इस समय में रिलेशन में नहीं आना है, ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों ये उन औरतों के लिए भी है जो प्रेग्नेंट नहीं है। ग्रहण के समय रिलेशन से बनने वाला बच्चा, रिलेशन से उत्पन्न होने वाला बच्चा कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं पाता है। उसके जीवन से कभी भी कठिनाइयां खत्म नहीं होती हैं। इसलिए आपको उस समय में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में नहीं आना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय आपको चंद्र ग्रहण को अपनी नंगी आंखों से नहीं देखना है। चंद्र ग्रहण के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अपने खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, पर्दे ढककर रखने हैं। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा और शनि का विष योग बन रहा है जो हर इंसान के लिए घातक हो सकता है, और प्रेग्नेंट औरत तो बहुत ही कमजोर शरीर होती है, तो इसलिए आपको सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से इस समय को निकाल पाओगी और आप किसी भी तरह की भूल भी नहीं करोगी। जो जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं आपको उन्हें याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आपका समय बहुत ही आसानी से कट जाएगा। दोस्तों आपको अपने बेड पर ही बैठकर रामायण का पाठ करना है। दोस्तों आपको ग्रहण के समय पूजा वाला पानी का नारियल लेना है, अपनी गोद में रखना है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो पानी वाले नारियल को बच्चे का स्थान दिया गया है। अगर आप उसे अपनी गोद में रखकर रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी। जैसे ही ग्रहण शुरू हो आप अपनी गोद में नारियल रखिए और रामायण का पाठ शुरू कर दीजिए। आपसे कोई भी भूल नहीं होगी, अगर हो सके तो कोई और आपके लिए रामायण पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको थकावट नहीं होगी। इस समय में आपका शरीर बहुत ही कमज़ोर होता है तो आपकी आँखों पर जोर पड़ सकता है। अगर आपके लिए कोई रामायण पढ़े और आप बैठकर सुने गोद में नारियल रखकर तो आपका समय कब कट जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप ना तो सोएंगी, ना कुछ खाएंगी पिएंगी, ना किसी जीव जंतु पेड़ पौधे को छुएंगी और ना ही आप किसी सब्जी को काटेंगी या सुई का इस्तेमाल करेंगी। आपका समय आसानी से कट भी जाएगा और आपसे कोई भूल भी नहीं होगी। दोस्तों अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है तो कोई भी नहीं रोक सकता, जैसा भगवान चाहता है वैसा ही होगा। अगर भगवान ग्रहण के समय आपके बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहेगा तो वैसा ही होगा, लेकिन अगर आपकी सर्जरी होनी है तो आप अवॉइड कीजिएगा। ग्रहण के समय आपको अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए। ग्रहण के अलावा 27 और 28 दोनों दिन आपको संतान को अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए, आपको अपना ऑपरेशन डिले करवा देना चाहिए। चंद्रमा और शनि का दोनों ही दिन विष योग बन रहा है जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए शुभ नहीं है। दोस्तों कुछ लोगों को ये बातें अजीब लग रही होंगी, ढकोसला या पुराने विचार लग रहे होंगे, लेकिन अगर मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है।
मानते हैं तो आप एक पत्थर एक मूर्ति को भी भगवान मानने लगते हो, और ना मानो तो आप भगवान को भी ठुकरा सकते हो। इसलिए ये आपकी सोच है, मैं किसी पर भी ये सोच थोप नहीं रही हूँ, मैं अपने विचार सिर्फ आपको बता रही हूँ। जिसको मानना है वो मान सकते हैं, और जिन्हें नहीं वो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था चंद्र ग्रहण के बारे में जो जो सावधानियाँ एक प्रेग्नेंट औरत को बरतनी चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण से रिलेटेड और भी जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।